हेलो बच्चा लोग, सुमित्रो, हम लोग कस्टम्स ड्यूटी में वैल्यूएशंस पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग वैल्यूएशंस को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार वैल्यूएशन के कुछ रूल्स आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ, फिर आगे हम लोग कुछ प्रैक्टिकल्स करेंगे। एंड माई टूडेज टारगेट विल बी टू कम्प्लीट दिस वैल्यूएशन, है ना। फिर बाकी आगे कुछ और चीज़ें रहेगी तो आपको अगले वीडियोज में वो मिलेगी। तो हम लोग पढ़ रहे थे वैल्यूएशन बेस्ड ऑन माई ट्रांजेक्शन वैल्यू। ठीक है, ट्रांजेक्शन वैल्यू की चार कंडीशन जो आपको याद है, मैं मान के चल रहा हूँ। ट्रांजेक्शन वैल्यू में एफओबी वैल्यू आने के बाद उसमें कुछ दो मैंडेटरी एडिशंस होती है, जिसमें एक है मेरा फ्रेट और एक है हमारा इंश्योरेंस। फ्रेट में हम ये दोनों ऐड कर रहे हैं, फ्रॉम प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट अप टू द प्लेस ऑफ इम्पोर्ट। और अगर आप बाय वाटर आ रहे हो या बाय सी आ रहे हो, और अगर आपको एक्चुअल सी फ्रेट या वाटर फ्रेट दिया है तो आप ऐड करोगे एक्चुअल, और अगर एक्चुअल नहीं दिया है तो आप ऐड करोगे 20% ऑफ एफओबी। अगर आप बाय एयर आ रहे हो तो फ्रेट विल बी लोअर ऑफ बिलो एक्चुअल एयर फ्रेट और 20% ऑफ एफओबी, व्हिच एवर इज लोअर। इंश्योरेंस में अगर इंश्योरेंस असर्टेनेबल है तो ऐड करो एक्चुअल जो दिया है, जो असर्टेनेबल है वो, और अगर अनअसर्टेनेबल है तो ऐड करो 1.25% ऑफ एफओबी वैल्यू। सिंपल, ये एक रूल है जो आपको फॉलो करना है। इसके अलावा एनी अदर चार्जेस में, बाइंग कमीशन के अलावा कोई दूसरा और कमीशन तो ऐड करने का, बाइंग कमीशन को ऐड करना नहीं। बाकी के चार्जेस अगर फॉरेन कंट्री में है, फॉरेन करेंसी में, तो उसको ऐड करने का, इंडियन रुपीज में, इंडिया में, तो ऐड करने का नहीं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर आगे बढ़ते हुए आज हमें शुरू करना है, ये क्वेश्चन 4 तो हमारा हो चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज डन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम Which point? Question number 8, ठीक है? एयर फ्रेट वाला हमने कोई क्वेश्चन किया नहीं था, ठीक है? सभी क्या कहा है देखिए। कंप्यूट असेसेबल वैल्यू एंड कस्टम्स ड्यूटी पेबल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नीचे दी गई इंफॉर्मेशन से आपको असेसेबल वैल्यू निकालना है और कस्टम्स ड्यूटी पेबल निकालना है। एफओबी वैल्यू ऑफ द मशीन दे दिया 8000 यूके पाउंड। फ्रेट पेड एयर दे दिया 2500 यूके पाउंड। तो ध्यान रखना ये फ्रेट कौन सा एयर है, क्योंकि तो इसमें एक लिमिटेशन आ सकती है। डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट चार्जेस पेड इन यूके 500 यूके पाउंड। तो ये हमारे लिए एफओबी वैल्यू कस्टम वाला नहीं है, हमें एफओबी वैल्यू एज पर कस्टम्स निकालना पड़ेगा, जिसमें ये 8000 प्लस कुछ चीजें होगी, जिसमें एक तो आ गया मेरा डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट चार्जेस, कमीशन पेएबल टू लोकल एजेंट एट 2% इन इंडियन रुपीज। तो हमने कहा था अगर कमीशन इन इंडिया है, इन इंडियन रुपीज है, तो वो ऐड किया जाएगा। इफ कमीशन इज इन इंडिया, इफ इट इज इन इंडियन रुपीज, इट विल बी एडेड। हम लोगों ने पढ़ा था अगर कमीशन इंडिया में है या इंडियन रुपीज में, तो क्या होगा, ऐड होगा। बराबर है, एम आई राइट? सो देयरफॉर इसी वजह से ये वाला कमीशन जो, ये 8000 का 2% जो भी आएगा वो ऐड होगा। डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री 24/10/2017 दिया है आपको, उस दिन का आपको बीसीटी का रेट भी दे दिया, उस दिन का आपको सीबीएसई का एक्सचेंज रेट भी दे दिया। डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड 20/10/2017 दे दिया, उस दिन का आपको बीसीडी का रेट भी दे दिया, उस दिन का आपको सीबीएसई का एक्सचेंज रेट भी दे दिया। आईजीएसटी पेबल का 18%, इंश्योरेंस चार्जेस एक्चुअली पेड बट डिटेल्स नॉट अवेलेबल, मीन्स इंश्योरेंस जो है वो असर्टेनेबल नहीं है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। सो अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा मेरा एफओबी वैल्यू एज पर कस्टम्स। तो एफओबी वैल्यू एज पर कस्टम्स जब मैं निकालने जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा 8000 यूके पाउंड का मेरा कॉस्ट है, इसमें मैं ऐड करूंगा, क्या ऐड करेंगे हम, डिजाइनिंग चार्जेस और ये इंडियन करेंसी में जो कमीशन पेड किया वो ऐड करेंगे। मतलब ये 8000 यूके पाउंड, ठीक है, प्लस ये 500 पाउंड और प्लस कमीशन इज 2%, यानी 8000 का 2% कैल से लीजिए कितना हो रहा है, देखिए 8000 इंटू 2% इट कम्स टू 160। सो ये 160 हम ऐड करेंगे, तो ये सब ऐड करके कितना आता है, देखिए 8000 प्लस 500 प्लस 160, 8660, ये आता है मेरा एफ ओ बी वैल्यू एज पर माई कस्टम्स लॉ। ठीक है, 8660 इज माई एफ ओ बी वैल्यू एज पर माई कस्टम्स लॉ। फिर उसमें ऐड करना है मुझे, अब ये एफ ओ बी में मैं ऐड करूंगा एयर फ्रेट, हम लोग क्या ऐड करेंगे एफ ओ बी में, एयर फ्रेट।
ठीक है। अब एयर फ्रेट विल बी लोअर ऑफ बिलो, एक तो एक्चुअल, एक्चुअल कितना है 2500, या फिर ये एफओबी का 20% यानी 8660, इसका कितना परसेंट 20%, तो 8660 का 20% कितना हो रहा है देखिए 1732, ठीक है। तो लोअर क्या है 1732, तो एयर फ्रेट के नाम पे कितना ऐड होगा 1732। इंश्योरेंस असर्टेनेबल नहीं है तो एफओबी का 1.15%, तो 8660 इसका 1.15% आप ऐड करोगे, 97.425 आ रहा है, वो ऐड करके आपको मिलेगा सीआईएफ वैल्यू। फिर आप उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए आप कौन सा एक्सचेंज रेट यूज करोगे, सीबीआईसी का एक्सचेंज रेट यूज करोगे एज ऑन रेट ऑफ प्रेजेंटिंग बिल ऑफ एंट्री, तो वो 68 पर यूएस पर यूके पाउंड आएगा। फिर बीसीडी विचर इज लेटर, तो वो भी आएगा 12% से, उसके ऊपर सोशल वेलफेयर सरचार्ज, सबके टोटल के ऊपर आईजीएसटी, तो आपका मिलेगा टोटल ड्यूटी पेबल, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो मुझे अभी सॉल्व करना है वो मुझे निकालना है इसका असेसेबल वैल्यू, ठीक है। तो चलिए सो हम करते हैं इसको सॉल्व। सो हम क्या कहेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, असेसेबल वैल्यू निकाल रहे हैं, आप लोग पूरा लिखना वैल्यू, ठीक है। अब इसमें मैं करता हूं पहले पार्ट ए, आई विल गो अहेड विद द फर्स्ट पार्ट ए विद ऑफ मी। सो पार्ट ए कैलकुलेटिंग एफओबी वैल्यू एज पर कस्टम्स, ठीक है, कस्टम्स लॉ के हिसाब से मुझे एफओबी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सारे नंबर मेरे किसके हैं, यूके पाउंड में है, यानी यहां पे यूके पाउंड, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लूंगा फर्स्ट कॉस्ट एज गिवन, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी है हमारी 8000, ऐड करेंगे इसमें प्लस क्या करेंगे, डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट चार्जेस पेड इन यूके, बराबर है, प्लस कीजिए इसमें डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट चार्जेस इन यूके, कितना देखिए 500 यूके पाउंड, ऐड करो 500 प्लस थर्ड कमीशन इन इंडिया, बराबर है, क्योंकि कमीशन देखिए कमीशन पेबल टू लोकल एजेंट इन इंडियन रुपीस, मतलब ये बाइंग कमीशन नहीं है, 2% ऑफ दिस 8000, बराबर है। सो लीजिए 8000 इसका 2%, 2%, 8000 का, बराबर है। सो 8000 इंटू 2% 160 आता है, ठीक है। तो ये सब ऐड करके 8000 प्लस 500 प्लस 160, तो मुझे मिलेगा 8660 पाउंड, बराबर है, यूके पाउंड, ठीक है। और ये क्या है मेरा एफओबी एज पर कस्टम्स, बराबर है। तो मेरा कस्टम्स के हिसाब से एफओबी कितना आया 8660 यूके पाउंड, ये मुझे याद रखना है। एक पार्ट हो गया मेरा, मैंने कहा था कि जब भी क्वेश्चन में मल्टीपल पार्ट्स रहे आप उसको पार्ट्स एंड स्टेप स्टेप्स में सॉल्व कीजिए, ताकि एटलीस्ट हमें स्टेप मार्किंग तो मिले, टारगेट तो होना चाहिए कि मुझे पूरे में से पूरे मार्क्स मिले, लेकिन कुछ कम ज्यादा हो गया तो
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप मार्किंग के लिए भी हमारा विंडो ओपन रखेंगे, सो दैट कुछ कम ज्यादा हो जाएगा तो मुझे स्टेप मार्किंग तो कम से कम मिलनी चाहिए, बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट करना है हमें, पार्ट बी करना है, ठीक है। पार्ट बी में मैं क्या लूंगा, असेसेबल वैल्यू लूंगा। सो बी कैलकुलेटिंग असेसेबल वैल्यू, ठीक है, जो क्या है कि मेरी सी आई एफ वैल्यू। तो शुरुआत में तो मैं मेरे नंबर ले रहा हूं यूके पाउंड में, बराबर है। तो फर्स्ट में पॉइंट ले लेता हूं एफओबी एज पर कस्टम्स। सो कस्टम के हिसाब से एफओबी कितना देखिए अपना 8,660, बराबर है। सो एफओबी एज पर कस्टम इज 8,660 यूके पाउंड्स। तीन डिजिट तक के मैं आगे बढ़ता हूँ, ऐड करेंगे हम, ऐड क्या करेंगे हम इसमें, एयर फ्रेट। बराबर है। अब ध्यान देना है हमें यहाँ पे कि ये जो आप ऐड कर रहे हो ये क्या है, एयर फ्रेट है। द व्हाट यू आर ट्राइंग टू ऐड इज एयर फ्रेट, जो आपको ऐड करना है वो क्या है, एयर फ्रेट है। तो ये एयर फ्रेट होने की वजह से दो चीजों का लोअर नंबर जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर है ये जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एयर फ्रेट होने की वजह से इट विल बी लोअर ऑफ टू नंबर, बराबर है। तो ये क्या आएगा, लोअर ऑफ बिलो, यही पे लिखते हैं हम लोग, लोअर ऑफ बिलो, बराबर है। एक पहला आएगा 20% ऑफ एफओबी, बराबर है। तो ये जो है अपना 8,660, इसका 20% कितना आता है, 1732, ये आता है अपना 1732। और दूसरा एक्चुअल, बराबर है, एक्चुअल एयर फ्रेट कितना है, देखिए फ्रेट पेड एक्चुअली इज 2500, सो एक्चुअली इज 2500, बराबर है। विचर इज लोअर, तो ऐड कितना होगा, 1732। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है, ठीक है। तो ये ऐड होगा 1732, सो इट विल बी एडेड, एयर फ्रेट विल बी एडेड 1732, ठीक है। फिर इसमें थर्ड ऐड होगा, क्या ऐड होगा, इंश्योरेंस, बराबर है। अब इंश्योरेंस आपको दिया है कि इंश्योरेंस चार्जेस आर नॉट अवेलेबल, तो हम कितना ऐड करेंगे, 1.125% ऑफ एफओबी, बराबर है। तो इंश्योरेंस कितना जाएगा, 8,660 इंटू 1.125%, जो भी नंबर आ रहा है 8,660 इंटू 1.125%, 97.425। तो इंश्योरेंस के नाम पे आप ऐड करोगे 97.425 यूके पाउंड, 1.25%, 97.425। ये सबका ऐड करके, ये सब अगर जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सी आई एफ वैल्यू, या फिर इसका दूसरा नाम क्या रहेगा, असेसेबल वैल्यू इक्वल्स टू, ये सबको आप क्या करोगे, ऐड करोगे, बराबर है। तो लीजिए 8,660 प्लस 1732 प्लस 97.425, कितना आ रहा है, ये इज इक्वल्स टू, जस्ट अ सेकंड, आपका असेसेबल वैल्यू कितना आ रहा, देखिए इक्वल्स टू, एक बार फिर से देख लेते हैं, 8,660 यूके पाउंड प्लस 1732 प्लस 97.425, कुछ गड़बड़ किया मैंने कैलसी पे, 8,660 प्लस 1732
प्लस 97.425, कितना आ रहा है वो 10,489.425। ये आ रहा है 10,489.425, ठीक है, क्लियर। अब इसे मुझे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बराबर है। तो मुझे अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मैं क्या लूंगा, सीबीआईसी एक्सचेंज रेट एज ऑन रेट ऑफ प्रेजेंटिंग बिल ऑफ एंट्री। तो सीबीआईसी एक्सचेंज रेट एज ऑन रेट ऑफ प्रेजेंटिंग बिल ऑफ एंट्री, बराबर है। सो देखिए हमने बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट कब किया, व्हेन वी हैव प्रेजेंटेड बिल ऑफ एंट्री। तो बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट सर ये वाले पॉइंट में क्या है, 24/10 को, और उस दिन का सीबीआईसी का एक्सचेंज रेट कितना है सर, 68 मिला आप लोगों को ये वाला। तो इसे मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूंगा, बराबर है, बाय अप्लाइंग सीबीआईसी एक्सचेंज रेट एज ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटिंग बिल ऑफ एंट्री, बराबर है। तो चलिए करते हैं इसको कन्वर्ट, ठीक है। यहाँ तक क्या आ गया, राइट। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा सीबीआईसी एक्सचेंज रेट एज ऑन बिल ऑफ एंट्री इज इक्वल्स टू रुपीज, कितना है देख लेते एक बार, 68 रुपीज। देयरफोर इसीलिए एवी इन रुपीज इज इक्वल्स टू 10,489.425 मल्टीप्लाइड बाय 68, राउंड ऑफ करके कितना आएगा ये, रुपीज 7,13,281 आ रहा है। तो मेरे को उसको राउंड ऑफ करके 7,13,281 करेंगे। एक दो रुपए का इधर उधर का राउंडिंग ऑफ का गैप रहेगा तो उसका कुछ बांधना नहीं है, राइट। हमने कैसे किया, 68 मल्टीप्लाइड बाय किया हमने 10,489.425, 7,13,280 या उसको 281, ठीक है, 7,13,281 राउंड ऑफ करके, एक दो रुपए आगे पीछे चलेगा। अब इसमें पूछा क्या क्या था आपको, असेसेबल वैल्यू पूछा था, एक पॉइंट हो गया, साथ में क्या पूछा है, कस्टम ड्यूटी भी पूछा है। तो मतलब ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए मिनिमम आएगा हम, ठीक है। तो हमने एवी तो निकाल लिया, अभी निकालते हैं ड्यूटी पेबल, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया मेरा, ठीक है, ये वाला एवी वाला पार्ट हो गया मेरा, ठीक है। अभी हम निकालते हैं ड्यूटी पेबल। तो चलिए करते हैं कॉम्प्यूटेशन ऑफ ड्यूटी पेबल या पेड कुछ भी बोलिए आप, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, ड्यूटी निकालना है, ठीक है। अब मैं जो भी नंबर लूंगा वो किस में लूंगा, इन रुपीज में लूंगा, क्योंकि ड्यूटी तो मुझे इंडिया में पे करनी है, रुपीज में पेड करनी है। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रुपीज में नंबर निकाल लिया, ठीक है। सबसे पहले मैं लेता हूँ ए, असेसेबल वैल्यू एज अबव या एज कैलकुलेटेड भी ले सकते हो आप, 7,13,281 हो गया मेरा असेसेबल वैल्यू। इस पे हम लेंगे प्लस बीसीडी एट द रेट ऑफ, अब बीसीडी का परसेंट देखना हमें, बेसिक कस्टम ड्यूटी का। तो हमने पढ़ा था बेसिक कस्टम ड्यूटी कैसे रहेगा, बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड विच ओवर इज लेटर। तो यहाँ पे देखिए बिल ऑफ एंट्री 24/10 को ही और एंट्री इनवर्ड 20/10 को ही है, विच ओवर इज लेटर क्या है 24/10, इसीलिए बीसीडी का रेट कितना रहेगा 12%, 12%, बराबर है। सो बीसीडी विल बी एट द रेट ऑफ 12%, बराबर है। तो हम करेंगे 7,13,281 × 12% 85,593 आ रहा है, तो राउंड ऑफ करके होता है 85,594। 7,13,281 × 12% 85,593.72 ये हो गया। इस पे हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, सोशल वेलफेयर सरचार्ज एट रेट ऑफ 10%, बराबर है। और ये किसके ऊपर रहेगा, ऑन बी रहेगा, बराबर है। सो
85,594 8559 आ रहा है, ये आ गया मेरा 8559। ठीक है, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो मुझे डी में मिलेगा, क्या मिलेगा हमें डी में, वैल्यू फॉर IGST। बराबर है, कितना मिला देखिए, 7,13,281 प्लस 85,594 प्लस 8559, कितना आ रहा है ये, रुपीज 8,07,434। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब इस पे ऐड करेंगे ई आईजीएसटी एट द रेट ऑफ, देखिए आईजीएसटी का रेट दिया है क्या आपको क्वेश्चन में, आईजीएसटी पेबल इज 18%, ठीक है, तो आईजीएसटी एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, 18%, तो 8,07,434 8,07,434 इंटू 18% विच कम्स टू 1,45,338। एक बार फिर से देख लेते हैं, 8,07,434 इंटू 18% 1,00,000, भाई कुछ भी गड़बड़ किया मैंने, 8,07,434 इंटू 18% नहीं सही है, 1,45,338। ये सबको जब ऐड करेंगे हम तो हमें मिलेगी हमारी लैंडेड कॉस्ट। बराबर है, तो ये 8,07,434 प्लस 1,45,338 सबको ऐड करके हमें मिला है रुपीज 9,52,772। ठीक है, 9,52,772 एक नंबर मिला है हमें, 8,07,434 प्लस 1,45,338 तो मिला है हमें 9,52,772। ठीक है, अब उसने पूछा है हमें टोटल ड्यूटी पूछा है। बराबर है, अब टोटल ड्यूटी पेबल तो बहुत ही आसान होना चाहिए हमारे लिए, दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग, मैंने पहले भी बताया था ये, एक बेस्ट वे एंड द इजिएस्ट वे इज ये लैंडेड कॉस्ट जो है मेरी, ये मेरी लैंडेड कॉस्ट माइनस कर दो मेरा ये एसेसेबल वैल्यू, क्योंकि किसी के ऊपर तो हमने सब ड्यूटी ऐड किया है ना, जो भी डिफरेंस मिलेगा वो ड्यूटी पेबल मिल जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, ड्यूटी इक्वल्स लीजिए 9,52,772 माइनस 7,13,281। ठीक है, ये माइनस करके कितना देखिए, इज इक्वल्स टू 9,52,772 माइनस 7,13,281, कितना आ रहा है, 2,00,000 कुछ तो भी गड़बड़ लिखा है मैंने, एक मिनट, आई विल करेक्ट इट, राइटिंग में मिस्टेक होती है इंसान की। ठीक है, सो आई विल राइट दिस नंबर, तो कितना आ रहा है देखिए एक बार फिर से, 9,52,772 माइनस 7,13,281 कितना आ रहा है वो, इट कम्स टू इक्वल्स टू 2,39,491 इज योर ड्यूटी पेबल। बराबर है, सो टोटल ड्यूटी पेबल कितनी है मेरी, अगर देखो मैं तो 2,39,491 ये आपका टोटल ड्यूटी पेबल का। इसको आप अलग तरीके से भी कर सकते हो, आप कर सकते थे अगर सेकंड वे से लेना था, मतलब ये शॉर्टकट नहीं, अगर आपको इस्तेमाल करना था, एनी वेज यू आर फ्री टू ट्राई एनी वे, अगर आपको शॉर्टकट यूज नहीं करना था तो आपके पास में एक अल्टरनेटिव वे क्या था कि आप क्या कर सकते थे, आप बोल सकते थे कि सर व्हाट आई विल डू आई विल प्लस दिस बीसीडी, ये जो बीसीडी दिख रहा है ये, प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज और प्लस आईजीएसटी, मैं इन तीनों को प्लस करूंगा और मेरा ड्यूटी पेबल निकालूंगा। जस्ट अ सेकंड, ठीक है, तो आप कैसे करते थे उसमें, अगर हमें देखना है तो यू वुड हैव डन 85,594, ठीक है, प्लस
1,45,338, है ना, ये तीनों का आपने प्लस किया, 1, 2 and 3, इक्वल टू करके देखिए कितना आता है, 85,594 प्लस 8,559 प्लस 1,45,338, इट कम्स टू 2,39,491, नंबर विल बी सेम। इधर यू फॉलो दिस मेथड 1 और दिस मेथड 2, एनीवेज इज योर चॉइस, आपको दोनों इसमें पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते क्वेश्चन को कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था और हम लोगों ने क्या किया और कैसे किया। लेट अस ट्राई टू फिगर इट आउट वंस अगेन। सो क्वेश्चन में बोला गया था अपने को कि क्या पूछा था अपने को, एक तो मुझे पूछा था असेसेबल वैल्यू, दूसरा मुझे पूछा था कस्टम्स ड्यूटी। मैं मान के चल रहा हूँ क्वेश्चन आएगा 10 मार्क के लिए, ठीक है, तो आप मान के चलिए 10 मार्क के लिए आएगा क्वेश्चन। में सबसे पहले हमें एफ ओ बी वैल्यू निकालनी थी एज पर कस्टम्स, तो मैंने क्या किया, ये 8,000 यूके पाउंड लिया प्लस डिजाइनिंग चार्जेस ऐड किया, 2% का कमीशन ऐड किया, तो मुझे एफओबी वैल्यू एज पर कस्टम्स मिली। ये होगा मेरा पार्ट वन। फिर इसमें मैंने ऐड किया एयर फ्रेट जो कि 20% ऑफ एफओबी एज पर कस्टम्स और एक्चुअल विच एवर इज लोअर लिया, और हमने ऐड किया इंश्योरेंस 1.125% ऑफ एफओबी, वो ऐड करके मुझे मिला सीआईएफ वैल्यू, और ये सीआईएफ वैल्यू को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना था, तो ये सीआईएफ वैल्यू विल बी कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपीज बाय अप्लाइंग सीबीआई से एक्सचेंज रेट एज ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटिंग बिल ऑफ एंट्री, तो वो कितना आया ₹68, उसको कन्वर्ट किया हमने रुपीज में। फिर हमने बीसीडी का रेट लिया, बीसीडी एज ऑन रेट ऑफ प्रेजेंटिंग बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड व्हिच इज लेटर, तो आया 24/10 का रेट आया जो कि था 12%। उसमें मैंने ऐड किया सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो भी एप्लीकेबल था वो ऐड किया 10% का। फिर सबके ऊपर मैंने ऐड किया 18% IGST और एंड में मैंने आया टोटल ड्यूटी पेएबल। तो आप एक बार चाहिए तो आंसर देख लीजिए। और इसी का जवाब डिटेल में ये रहा एक जगह पर, अगर आपको चाहिए तो, ठीक है, आप लोग देख लीजिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसे कि हमने देखिए सबसे पहले एफओबी एज गिवन 8,000 की थी, इसमें ऐड किया डिजाइनिंग चार्जेस पेड इन यूके 500 के जो यहाँ पर दिए हैं, उसमें मैंने ऐड किया कमीशन 2%, 8,000 का 2%, ठीक है, ये हमने ऐड किया। ये सब को ऐड करके मुझे क्या मिला, मेरा एफओबी वाले एज पर कस्टम्स मिला 8,600। इस पर मैंने प्लस किया एयर फ्रेट, ठीक है, इसका 20% सर क्यों, क्योंकि लोअर ऑफ एक्चुअल और 20% था 1732। फिर इसमें मैंने ऐड किया इंश्योरेंस 97.425, तो मुझे मिला सीआईएफ वैल्यू या फिर असेसेबल वैल्यू 10,489.425, और इसे मैंने 68 रुपीज़ का रेट लगा के इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया जो कि आया 7,13,281। देखिए हमारा भी उतना ही आया था, इफ यू गो बैक हमारा भी कितना था 7,13,281, ठीक है। फिर इसके ऊपर मैंने ऐड किया बीसीडी 12% से बिल ऑफ एंट्री के प्रेजेंट करने वाले डेट वाले दिन का, फिर ऐड किया सोशल वेलफेयर सरचार्ज उस पर 10%, दोनों का टोटल किया, फिर ऐड किया IGST बराबर सबका टोटल हुआ मेरा लैंडेड कॉस्ट, और एंड में इन दोनों को माइनस करने के बाद मुझे मेरा टोटल ड्यूटी मिला है 2,39,491, राउंड ऑफ करके 2,39,491, ठीक है। इतना सा प्रेजेंटेशन किया तो भी चले, डिटेल में मैं चाहूँगा कि आप डिटेल में जाओ, मतलब पहले आप उसको ये निकाल के दिखाओ कि कस्टम वाली एफओबी कितनी है, पहले आप ये निकाल के दिखाओ उसको एग्जामिनर को, फिर आप उसको ए वी निकाल के दिखाओ या फिर सी आई एफ निकाल के दिखाओ, और फिर आप उसको ड्यूटी निकाल के दिखाओ। अगर ये तीनों सही है तो भैया मुझे पूरे 10 मार्क दो। सर कुछ कहीं पे गलती हुई कम ज्यादा हुई तो ये सही है तो इसके स्टेप मार्किंग दो, ये सही हो तो इसका स्टेप मार्किंग दो, लाइक दिस यू कैन डू इट। अब एक सवाल बचता है इसमें नोट्स कहाँ कहाँ पर आएगी और क्या क्या नोट्स आएगी, बराबर है। सो एज यूजुअल नोट्स में लिखूंगा नहीं, आप लोगों को नोट्स में डिक्टेट कर देता हूँ। अभी इतने क्वेश्चंस हम लोगों ने किए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर क्या क्या नोट्स आएगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप नोट लिखिए कि नोट नंबर वन में हम क्या लिखेंगे कि कस्टम वाली एफओबी हमने जो 8,660 निकाली है कैसे निकाली। सो नोट नंबर वन लिखिए, फॉर अराइविंग एट एफओबी वैल्यू एज पर कस्टम्स, फॉर अराइविंग एट एफओबी वैल्यू एज पर कस्टम्स, we need to add
डिजाइनिंग चार्जेस पेड इन यूके एंड कमीशन पेड टू लोकल एजेंट। नोट वन खत्म, ठीक है, ये हो गया हमारा नोट वन। नोट टू आप लिखोगे, लिखिए नोट टू। नोट टू विल राइट अबाउट दिस एयर फ्रेट। नोट टू लिखिए, एयर फ्रेट इज टू बी एडेड एज लोअर ऑफ, एयर फ्रेट इज टू बी एडेड एज लोअर ऑफ 20% ऑफ एफओबी एंड एक्चुअल। ये हो गया हमारा खत्म। नोट नंबर थ्री, Where insurance is not ascertainable, it is to be added at the rate of 1.125% of FOB value, ठीक है। तो नोट वन हमने इसकी लिखी, नोट टू हमने एयरफ्रेट की लिखी, नोट थ्री हमने इंश्योरेंस की लिखी, नोट फोर लिखिए, फॉरेन करेंसी विल बी कन्वर्टेड बाय अप्लाइंग CBIC exchange rate as on the date of presenting bill of entry, ठीक है। नोट नंबर फोर हो गया। नोट नंबर फाइव लिखिए, बीसीडी की लिखेंगे हम लोग, basic customs duty will be charged at the rate of the date of bill of entry and entry inward whichever is later। तो हमने यहाँ पे नोट्स भी दे दिया, ठीक है, और हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। एक बार क्विकली अगर हमें गो थ्रू करना है तो देखिए, पहले मैंने क्या निकाला, एफओबी वैल्यू निकाला, फिर मैंने असेसेबल वैल्यू निकाला, फिर इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया एंड एंड में हमने क्या निकाला, ड्यूटी पेबल निकाला, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर होना चाहिए, ओके। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ। सो क्वेश्चन नाइन क्या कहता है, ठीक है, क्वेश्चन नाइन को मैं एक्सप्लेन करूँ, इससे पहले मैं बता दूँ, नोट्स वगैरह लिखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए जरूरी है। नोट्स हैव सम वेटेज, ओके। एनीवेज बढ़ते हैं। लिबर्टी इंटरनेशनल ग्रुप हैज इंपोर्टेड अ मशीन बाय एयर, ठीक है। तो पहले तो चीज मुझे ध्यान रखनी है कि ये इंपोर्ट किससे की है, मैंने बाय एयर की है। जस्ट अ सेकंड, इसको चेंज कर लेते हैं, इरेज करते सब कुछ और हम यूज करते हाईलाइटर। हमने मशीन इंपोर्ट किससे की है, बाय एयर की है। सर आप एयर को हाईलाइट क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे एयर फ्रेट मेरा रजिस्टर हो जाएगा 20% ऑफ एफओबी। बिल ऑफ एंट्री इज प्रेजेंटेड ऑन 18th जुलाई 2017। हाउएवर एंट्री इनवर्ड इज ग्रांटेड ऑन 7th अगस्त 2017। तो बिल ऑफ एंट्री जो आई है मुझे 18 जुलाई 2017 को आई है, लेकिन मुझे जो मेरा एंट्री इनवर्ड मिला है वो कब मिला है, हमको वो मिला है ऑन 7th अगस्त 2017। द रिलेवेंट डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर प्रोवाइडेड एज फॉलोस। CIF value of the machine as imported, ध्यान रखना यहाँ पर, इसने तिकड़म किया है, इसने ये CIF value दी है, ये जो $13,000 है ना, ये क्या है मेरा CIF value है, this is my CIF value। ये लोग ना जानबूझ के ऐसा करते, now you will understand why। साथ में उसने नीचे air freight दे दिया और इसने insurance charges भी दे दिया, और रेट ऑफ एक्सचेंज एज पर अनाउंस बाय
सीबीआईसी और आरबीआई दिया, तो ये आरबीआई वाला तो मेरे किसी काम का नहीं है, तो मैं आरबीआई वाले को कट ही कर देता हूँ पूरा। सर ये आरबीआई का मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे किसी काम का नहीं है, मैं आरबीआई को कट कर देता हूँ। सीबीआईसी का चाहिए एज ऑन डेट ऑफ प्रेजेंटिंग बिल ऑफ एंट्री चाहिए। डेट ऑफ प्रेजेंटिंग बिल ऑफ एंट्री कब है मेरा? 18 जुलाई है। बिल ऑफ एंट्री मैंने 18 जुलाई को प्रेजेंट किया, बराबर है। तो मतलब मुझे ये वाला एक्सचेंज रेट चाहिए, $1 इज इक्वल ₹66। अब आते हैं आगे, कैलकुलेट द असेसेबल वैल्यू इन रुपीज, पहला पॉइंट ये है, और कस्टम ड्यूटी पेबल बीसीडी इज नील और आईजीएसटी दिया। अच्छा है, बीसीडी नील है तो कैलकुलेशन करने कम हो जाएंगे। अब यहां पर आपको सीआईएफ वैल्यू दिया है। अब सिंस गुड्स आर इंपोर्टेड बाय एयर, तो मेरा जो एयर फ्रेट है, ये वाला जो एयर फ्रेट है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा 20% ऑफ एफओबी और एक्चुअल विच ओर इज लो। तो मुझे पहले सीआईएफ वैल्यू से एफओबी पे आना पड़ेगा। वो एफओबी फॉर कस्टम्स, वो कैसे आएगा? ये सीआईएफ वैल्यू माइनस ये दो तिकड़म, एयर फ्रेट और इंश्योरेंस माइनस करेंगे। क्योंकि सीआईएफ वैल्यू का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय सीआईएफ वैल्यू? तो सर ये एफओबी प्लस फ्रेट प्लस इंश्योरेंस होता है। तो मैं सीआईएफ वैल्यू में से क्या माइनस करूंगा? फ्रेट एंड इंश्योरेंस माइनस करूंगा, एफओबी आ जाएगा एज पर कस्टम्स, एंड देन आई विल कंपेयर कि एयर फ्रेट इस एफओबी का 20% और एक्चुअल विच इज लोअर, और इंश्योरेंस तो मुझे दिया ही है, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर है। तो एक बार फिर से अगर हमें देखना है तो हम लोग क्या कहेंगे? सर लेट्स ट्राई इट वंस अगेन। सबसे पहले मैं ये सीआईएफ से, ये जो सीआईएफ वैल्यू, इससे मैं क्या निकालूंगा? एफओबी वैल्यू। ये वैल्यू क्या मतलब क्या है? ये वैल्यू का मतलब है सर एफओबी प्लस फ्रेट प्लस इंश्योरेंस ऐड करके नंबर निकला ये। तो मैं ये $13,000 में से ये $2,800 लेस करूंगा और $200 लेस करूंगा, तो मुझे मेरा मिलेगा एफओबी एज पर कस्टम्स। तो 13,000 माइनस 2,800 माइनस 200, तो मुझे कितना मिला? 10,000। तो ये मेरा $10,000 है एफओबी एज पर कस्टम्स। अब एयर फ्रेट इस 10,000 का 20% जो कहेगा 2,000 और एक्चुअल विच ओर इज लोअर, तो एयर फ्रेट कितना ऐड होगा? 2,000। उसमें मैं ऐड करूंगा इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये $10,000 प्लस 2,000 प्लस इंश्योरेंस 200 का, तो ये मुझे मिल गया सीआईएफ वैल्यू और असेसेबल वैल्यू एज पर माई कस्टम्स। फिर इसको मैं बिल ऑफ एंट्री के दिन का सीबीआईसी का एक्सचेंज रेट लूंगा, यानी ये वाला 66, क्योंकि बिल ऑफ एंट्री कब हुई? 18 जुलाई को ही है। इससे मल्टीप्लाई करके एवी इन रुपीज निकालूंगा और उसको मैं ऐड कर दूंगा ये ड्यूटीज, ठीक है। चलिए करते हैं हम इसको सॉल्व, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट मैं करता हूँ, पॉइंट नंबर ए आई विल डू। ठीक है, मैं क्या कहूंगा? सिंस एफओबी वैल्यू नॉट गिवन, कैलकुलेटिंग सेम, ठीक है, एफओबी वैल्यू ना देने की वजह से मैं पहले वो कैलकुलेट कर रहा हूं, और जो मेरे जो भी नंबर्स है वो मेरे डॉलर्स में रहेंगे, ठीक है। तो उसमें पहला आएगा, फर्स्ट पॉइंट आएगा, सीआईएफ वैल्यू गिवन, ठीक है। तो कितनी दे, देखिए सीआईएफ वैल्यू $13,000, बराबर है। सीआईएफ वैल्यू कितनी है? $13,000। तो सीआईएफ वैल्यू गिवन इज $13,000 लेस करेंगे हम एक्चुअल एयर फ्रेट, ठीक है। एक्चुअल एयर फ्रेट कितना है? 2,800। ये एयर फ्रेट कितना है? $2,800। ये रेशो का $2,800 लेस एक्चुअल इंश्योरेंस, कितना एक्चुअल इंश्योरेंस? $200, ठीक है। तो मेरा एफओबी एज पर कस्टम्स कितना आएगा?
$13,000 माइनस 2,800 माइनस 200, तो ये आएगा मेरा $10,000। एक पॉइंट खत्म, ठीक है, एक चीज खत्म हो। अब मुझे निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है, कस्टम्स ड्यूटी। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, असेसेबल वैल्यू, राइट। सो मैं करूंगा पार्ट बी, नाउ वी विल गो विद द पार्ट बी, कॉम्प्यूटेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू एवी। आप लोग पूरा लिखोगे, ठीक है, और ये जो नंबर्स है ये किस में है, डॉलर्स में है, ठीक है। सबसे पहले मैं लूंगा फर्स्ट एफओबी एज पर कस्टम्स, ठीक है। तो ये अभी आपने निकाली है $10,000 की, राइट, ये आ गया मेरा $10,000। इसमें हम प्लस करेंगे एयर फ्रेट, बराबर है, जो कि हम निकालेंगे नोट नंबर वन में लिख देंगे। एयर फ्रेट कैसा आएगा, एफओबी वैल्यू एज पर कस्टम का 20% और एक्चुअल विचर इज लोअर। तो देखिए ये 10,000 जो डॉलर्स है इसका 20% कितना आएगा, 2,000 आएगा, और एक्चुअल कितना है, 2,800 है, विचर इज लोअर कितना है, 2,000, तो मैं एयर फ्रेट कितना ऐड करूंगा, $2,000। नोट्स में आपको डिक्टेट कर दूंगा। प्लस एक्चुअल इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस में तो क्लियर था, अगर एक्चुअल दिया तो एक्चुअल ऐड होगा, नहीं तो 1.125%। तो एक्चुअल इंश्योरेंस कितना है, $200 का है, देखिए $200, बराबर है, तो एक्चुअल इंश्योरेंस इज $200। तो ये यहाँ पर मुझे मिल गया CIF और असेसेबल वैल्यू डॉलर, देखिए कितना आएगा, 10,000 प्लस 2,000 प्लस 200, ये आया मेरा पास में $12,200, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टोरी क्लोज नहीं होती है, मुझे इसको रुपीस में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। सो एवी इन रुपीस इज इक्वल्स टू डॉलर, जस्ट अ सेकंड, एवी इन रुपीस इज इक्वल्स टू कैसा आएगा, ये मेरा $12,200 मल्टीप्लाइड बाय CBIC एक्सचेंज रेट एज ऑन रेट ऑफ प्रेजेंटिंग बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट कब किया आपने, 18 जुलाई को, उस दिन CBIC का रेट कितना है, 66 का, बराबर है, सो इन टू 66, ठीक है, सो इक्वल्स टू रुपीज कीजिए 12,200 इंटू 66, 8,05,200, ठीक है। चाहिए तो हम लिख देंगे इसकी नोट नंबर टू कि हमने ये रेट कैसे लिया, ओके, ये हो गया। अब निकालना है ड्यूटी, तो BCD तो नील है, तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी नील आएगा, डायरेक्टली क्या आएगा, IGST आएगा। चलिए वो वाला पार्ट भी करते हैं हम लोग, लेट अस प्रोसीड, ठीक है। सो हम कहेंगे, तो ये हो गया AB, हो गया पार्ट सी, कॉम्प्यूटेशन ऑफ ड्यूटी, ठीक है। तो अब मेरे जो नंबर्स रहेंगे वो रहेंगे रुपीस में, ठीक है। तो मैं पहले ले लूंगा A, असेसेबल वैल्यू कैलकुलेटेड कितना है आपका, देखिए 8,05,200, 8,05,200, इस पे ऐड कीजिए प्लस BCD जो कि क्या है, नील है, BCD नील है, देखिए, तो BCD विल बी नील। ऐड कीजिए सोशल वेलफेयर सरचार्ज,
अब बीसीडी ले रहे तो ये भी क्या आएगा, नील आएगा, ये कितना आया 8,05,200, ठीक है। ये क्या आया मेरा डी में आया, वैल्यू फॉर आईजीएसटी, और इसके ऊपर आप ऐड कीजिए आईजीएसटी, कुछ भी गड़बड़ दो बार लिखते हैं, कोई कोई नहीं, कट कर देते हैं, थोड़ा स्पीड में जाने के चक्कर में कुछ नहीं होता। इसमें हम ऐड क्या करेंगे, आईजीएसटी एट द रेट ऑफ, देखिए कितना परसेंट आईजीएसटी का, 18% है, 18%, तो 8,05,200 × 18%, तो कितना आएगा ये रुपीज 1,44,936, ये हो गया आपका ड्यूटी पेबल, यही रहेगा क्योंकि इधर तो नहीं लिया, हो गया आंसर खत्म। 10 marks आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, बड़ा इजी था क्वेश्चन, पे क्या देखना था सिर्फ कि हमें सी आई एफ वैल्यू दिया था रेडीमेड, हमें क्या रेडीमेड प्रोवाइड किया गया था, सी आई एफ वैल्यू, और गुड्स इम्पोर्ट किए थे बाय एयर, और ये सी आई एफ वैल्यू से फिर हमने पहले क्या निकाला, मेरा एफ ओ बी वैल्यू निकाला, फिर ये एफ ओ बी वैल्यू में मैंने ऐड किया फ्रेट एंड इंश्योरेंस कंपेरिजन करके, 20% वगैरह कंपेरिजन करके, फिर इसको मैंने रुपीज में कन्वर्ट किया सी बी आई से एक्सचेंज रेट बिल ऑफ एंट्री वाले दिन का अप्लाई करके, बी सी डी वगैरह नील था, ठीक है। तो मेरा ए भी निकला है 8,05,200, ड्यूटी आया 1,44,936, यही चीज़ें आप रिपीट करके आपको दिखाई है हमने, ये दिखाओ, मैं उसके पहले आपको नोट्स दिखवा के देता हूँ, लेट्स राइट नोट्स फर्स्ट। तो नोट वन लिखनी है एयर फ्रेट की, ये वाली नोट लिखनी है हमें, राइट, तो आप लोग लिखिए नोट्स, ठीक है, मैं डिक्टेट कर देता हूँ। तो नोट वन, एयर फ्रेट विल बी, एयर फ्रेट विल बी लोअर ऑफ, एयर फ्रेट विल बी लोअर ऑफ, लोअर ऑफ किसका, एक्चुअल, एक्चुअल और 20% ऑफ एफ ओ बी, ठीक है। नोट नंबर टू लिखिए, ये वाली, फॉरेन करेंसी विल बी कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपीज बाय अप्लाइंग सीबीआई से एक्सचेंज रेट as on the date of presenting bill of entry, ठीक है। so ये हम क्वेश्चन 9 पढ़ रहे थे, क्वेश्चन 9 का ये एक आंसर आपके सामने फिर से पूरा एक जगह पर, ठीक है। तो सी आई एफ वैल्यू हमने लिया $13,000 का, इसमें से ये एयर फ्रेट लेस किया और इंश्योरेंस लेस किया, तो मुझे मिला एफ ओ बी वैल्यू एज पर कस्टम 10,000 का, देखिए ये जो हमने निकाला था 10,000 का, देन इसमें ऐड किया एयर फ्रेट 20% का रिस्ट्रिक्शन लगा के, इंश्योरेंस एक्चुअल ऐड कर दिया, तो मुझे मिला सी आई एफ वैल्यू और असेसेबल वैल्यू मिला $12,200, ये देखिए $12,200, ठीक है। फिर इसको मैंने रुपीज में कन्वर्ट किया 66 का रेट लगा के, तो आया 8,05,200, ये रहा 8,05,200, और फिर मैंने इसके ऊपर ड्यूटी वगैरह ऐड करके सब कुछ ऐड किया, और ड्यूटी वगैरह कितना आया 1,44,936, 1,44,936। आई होप आप लोगों को क्लियर है। मैं अगेन रिपीट कर दूं कि मैं मान के चल रहा हूँ कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ या एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोग लिख रहे हो, और एक ही क्वेश्चन को मैं दो दो बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ लिख कर भी, और जो एक्सेल में मैं सॉल्व करता हूँ उसके साथ प्रिंटेड भी आपको दे रहा हूँ, सो दैट आपको एक ही चीज बार बार रिपीटेडली मिले, कुछ क्वेरी हो तो वीडियो में वन स्ट्रोक में सॉल्व हो जाए। इनकेस स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी आप उसको नोट डाउन करके रख सकते हो और बाद में मुझे दे सकते हो, मैं उनको डेफिनेटली सॉल्व करूंगा। चलिए बढ़ते हम लोग आगे, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 9 खत्म, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब इसके ऑनवर्ड्स कुछ थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, जो कुछ क्वेश्चंस यानी 10, 11, 12 अभी जो हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे इनकी पूछने की फ्रीक्वेंसी कम है, पर एक आधी बार पूछ लेते हैं, और इसमें हमें कुछ अलग रूल्स अप्लाई करने होते हैं। एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं सारे क्वेश्चंस और सॉल्व भी करेंगे, इसका आंसर बड़ा इजी होता है। अभी आगे जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत कम रहेगा, लेकिन एक पार्ट रहेगा कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करने वाला पार्ट रहेगा, इसके वजह से एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम ये वाले। चलिए बढ़ते आगे, तो क्या कहा देखिए हम,
A consignment of 800 metric tons of edible oil of Malaysian origin was imported by a charitable organization in India for free distribution to below poverty line citizens in a backward area under the scheme designed by the Food and Agricultural Organization. This being a special transaction, a nominal price of US$10 per metric ton was charged for the consignment to cover the freight and insurance charges. The custom house found out that at or about the same time of import of this gift consignment, there were following imports of edible oil of Malaysian origin. So, ye niche de diya 20, 100 vagare aur iska unit price in CIF value de diya. Thik hai? Matlab ye AB hai. Rate of exchange on the relevant date was US$63 and the rate of basic custom duty was at the rate of 15% ad valorem. There is no countervailing duty or special additional duty. NSF CVD है. Calculate the amount of duty leviable on the consignment under the Customs Act 1962 with appropriate assumptions and explanations wherever required. अब ये solve करने से पहले क्या हम इस question को transaction value apply करके solve कर सकते हैं? सोचिए और बताइए. Can you solve this by applying transaction value? आंसर इज सर हम ट्रांजैक्शन वैल्यू अप्लाई करके इसको सॉल्व क्यों नहीं कर सकते हैं बिकॉज रीजन है इसका हम ट्रांजैक्शन वैल्यू सॉल्व ना करने का ये स्पेशल ट्रांजैक्शन है और आपको नॉमिनल प्राइस चार्ज किया गया US$110 ये अ काइंड ऑफ गिफ्ट तो जो मेरा प्राइस है दैट इज नॉट द सोल कंसिडरेशन नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू से इसका वैल्यूएशन नहीं हो सकता देन आई नीड टू गो वैल्यूएशन बेस्ड ऑन व्हाट ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स और ये जो दिया है ये क्या है टीवी ऑफ आइडेंटिकल गुड्स है बराबर है क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कौन सा वैल्यू दिया है मुझे सीआईएफ वैल्यू दिया है ये सीआईएफ वैल्यू मतलब ये क्या है असेसेबल वैल्यू है जो मुझे यूज करना है बट यहाँ पे ये मल्टीपल मल्टीपल है मल्टीपल एवीज है अब इसमें का मैं कौन सा एवी यूज करूं बराबर है अब इसको देखने के लिए हम लोग क्या कंपेयर करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने 800 मैट्रिक टन का कंसाइनमेंट इंपोर्ट किया इंडिया में सो मैं देखूंगा नियरेस्ट क्वांटिटी मतलब जैसे मैं 20 को रिजेक्ट कर सकता हूँ 100 को रिजेक्ट कर सकता हूँ 500 को रिजेक्ट कर सकता हूँ फॉर द टाइमिंग मैं 400 को रिजेक्ट कर सकता हूँ तो मेरे लिए नियरेस्ट क्वांटिटी कौन सी एक 900 है और एक 780 है 900 एंड 780 तो मतलब एक ये 175 का रेट है और एक ये 160 का रेट है अब यहाँ पर भी दो अलग अलग रेट है सो वेन वी हैव मोर देन वन ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स वेन वी हैव मोर देन वन ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ द आइडेंटिकल गुड्स तो आप उसमें लोगे लोएस्ट वैल्यू यानी जो भी लोएस्ट रहेगा मतलब $175 और $160 इसमें लोएस्ट क्या है $160 तो मैं रेट अप्लाई करूंगा $160 का कौन सा रेट अप्लाई करेंगे हम $160 आई होप आप लोगों को क्लियर है सो अभी मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ सबसे पहले व्हाट आई विल डू लेट अस सॉल्व इट फटाफट एक्सक्यूज मी हाँ यहाँ से करना राइट सो हम लोग क्या कहेंगे सो व्हाट वी विल से कि सिंस इट इज स्पेशल काइंड ऑफ इम्पोर्ट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम गिफ्ट ठीक है असेसेबल वैल्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय अप्लाई ट्रांजैक्शन वैल्यू
ठीक है, ये मैं लिख दूंगा फर्स्ट। सेकंड, वेयर ट्रांजैक्शन वैल्यू इज नॉट एप्लीकेबल वी नीड टू कंसिडर ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स। ठीक है, दो पॉइंट हो गए। अब लिखते हैं थर्ड पॉइंट। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट पे पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर थ्री। इन केस देयर आर मोर देन वन टीवी ऑफ आइडेंटिकल गुड्स देन वी नीड टू टेक लोएस्ट अमॉन्ग दे। ठीक है, तो जो भी अवेलेबल टीवी रहेगा उसमें मैं क्या लूंगा, लोएस्ट होगा। सो आई विल टेक लोएस्ट अमॉन्ग दे, जो भी लोएस्ट टीवी रहेगा वी विल टेक दैट, क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन टीवी है आइडेंटिकल गुड्स, तो हम लोग उसमें क्या लेंगे, लोएस्ट। ठीक है, सो चलिए हम लोग करते हैं इसको सॉल्व अभी आगे बढ़ते हुए। सो अब क्वेश्चन में देखिए, लोएस्ट टीवी कितना है, 160 डॉलर का, बराबर ना, यूनिट प्राइस यूएस डॉलर 160, सीआईएफ वैल्यू है ये, और ये 800 मैट्रिक टन है, बराबर है। चलिए सो अब ये करते हैं इसको सॉल्व। सो हम क्या कहेंगे, therefore assessable value or CIF value is equals to, कितने मेट्रिक टन है अपने पास में, 800, और रेट कितना है यूएस डॉलर 60, हम कहेंगे 800 मेट्रिक टन इंटू डॉलर 160, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 160, 800 मेट्रिक टन इंटू डॉलर 160 बराबर है, इज इक्वल्स टू कितना आएगा, डॉलर 800 इंटू 160, डॉलर आया 1,28,000 बराबर है। इसी को आगे बढ़ते हुए, देयरफॉर एवी इन रुपीस इज इक्वल्स टू डॉलर 1,28,000, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय अपना रेट कितना, देखिए द रेट ऑफ एक्सचेंज रिलेवेंट इज 63 इंटू 63 इज इक्वल्स टू कितना होगा, देखिए रुपीज 1,28,000 इंटू 63 कीजिए, रुपीज 80,64,000, 80,64,000। ठीक है, ये हो गया। अब हमें ड्यूटी निकालनी है, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट ड्यूटी, तो चलिए हम लोग वो कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉम्प्यूटेशन ऑफ ड्यूटी पेबल, ठीक है, हम लोग क्या निकल रहे हैं ड्यूटी पेबल, ठीक है, सो मैं ऑल नंबर्स आर इन नाउ रुपीज, तो मैं ए लूंगा एवी, ठीक है, आप लोग पूरा लिखोगे असेसेबल वैल्यू कितना है 80,64,000, ऐड करेंगे इसमें आप बीसीडी एट द रेट ऑफ, देखिए बीसीडी का रेट कितना है आपका 15% एड बदर हम, राइट, तो बीसीडी एट द रेट ऑफ कितना है 15% इंटू 15% तो आएगा 12,09,600, ऐड करो आप इसमें सोशल वेलफेयर सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10% इंटू 10% इंटू 10% मतलब क्या, ये 12,09,600 पे 10% which comes to 1,20,960 बराबर है, सबका टोटल 80,64,000 plus 12,09,600 plus
1,20,960, which comes to rupees 93,94,560. अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, देखिए there is no countervailing duty or special additional duty, मतलब IGST वगैरह कुछ applicable नहीं है, इसलिए उसको लेने की जरूरत नहीं है। IGST अगर दिया होगा तो ही हम लेते हैं, राइट। तो टोटल ड्यूटी पेबल यही हो गया हमारे लिए, बराबर है। देयरफॉर टोटल ड्यूटी इक्वल्स टू कितना रहा, देखिए आप 93,94,560 माइनस 80,64,000 कितना आ रहा है, रुपीज 13,30,560, 13,30,560, ये आपका आंसर। ये क्वेश्चन भी पूछे गए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8 मार्क्स के लिए पूछना चाहिए उसने, ठीक है, ध्यान रहेगा ये आपको। सो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ इस क्वेश्चन के, बाद फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि सर ये स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन था या फिर गिफ्ट कंसाइनमेंट था, इसीलिए मेरा वैल्यूएशन बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू ले नहीं सकता था मैं। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे मैं वैल्यूएशन नहीं ले सकता था, तो इसलिए मैं क्या देखूंगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स। तो यहाँ पे आइडेंटिकल गुड्स की मल्टीपल वैल्यूज दी थी, तो मल्टीपल वैल्यूज में से भी पहले मैंने वो वैल्यू को रिजेक्ट किया जो मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मैंने इंपोर्ट किया 800 मेट्रिक टन, उसमें जो काम का नहीं है 20, 100, 500, 400 के नियर बाय भी नहीं है, इसको उड़ा दिए। तो काम के कितने हैं, 900 मेट्रिक टन काम का है और 780 मेट्रिक टन काम का है। तो 900 का रेट था 175 और 780 का रेट था 160 US डॉलर। तो जब मल्टीपल रेट रहेंगे तो इसमें मैं क्या लूँगा, लोएस्ट लूँगा, लोएस्ट रेट कितना है 160 US डॉलर का। तो मैंने ये यूज़ करके निकाला मेरा AV और उसको फिर मैंने कन्वर्ट किया रुपीज़ में, ठीक है। ये सारी नोट्स हो, ये सारा एक्सप्लेनेशन में लिख दिया, ये सारा एक्सप्लेनेशन लिखने के मुझे मार्क्स एग्जाम में। तो मेरा AV इन रुपीज़ आया 80,64,000 और मेरा ड्यूटी पेबल आया 13,30,560। इसी को आंसर को फिर से एक बार देख लेते हैं। तो तो क्या लेते हैं, CIF वैल्यू 800 मेट्रिक टन इंटू 160 और इंटू 63, 80,64,000 डायरेक्टली रुपीज़ में आ गया यहाँ पे। देन 15% बेसिक कस्टम ड्यूटी 12,09,600, सोशल वेलफेयर सरचार्ज उसके ऊपर 10% 1,20,960, टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल कितना आया 13,30,560। और नोट लिख देंगे, मोर देन वन ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स आर गिवन, वी आर सपोज टू टेक द लोएस्ट प्राइस ऑफ द क्वांटिटी विच इज नियरेस्ट टू द क्वांटिटी ऑफ इनपुट। आई होप आप लोगों को क्लियर है। क्लियर नहीं भी है तो एक बार आपको इसको फिर से देखना, कुछ क्वेरी हो तो लिख के रखना, मुझे आपको पूछना। अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे पूछोगे, मुझे आपको पूछना नहीं, आप मुझे पूछोगे, बट आई बिलीव ये क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 11 क्या कहता है, ए लिमिटेड सेल इन इंडिया फ्रॉम अ प्राइस लिस्ट विच ग्रांट्स फेवरेबल यूनिट प्राइस फॉर अ परचेस मेड इन लार्जर क्वांटिटी। तो सेल क्वांटिटी दे दिया ए लिमिटेड का इंडिया में 1 to 10, 11 to 25, और ये प्राइस दे दिया, और 10 सेल्स ऑफ 5 यूनिट्स मतलब यहाँ पे 50 हुए हैं। एक बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट, ठीक है। सो 10 सेल्स ऑफ 5 यूनिट्स मतलब ये कितना है 50 है, और ये 5 सेल्स ऑफ 3 यूनिट्स मतलब ये कितना है 15 है। तो टोटल कितना हो गया 50 + 15 = 65। यहाँ पे 5 सेल्स ऑफ 11 यूनिट्स मतलब 55, और यहाँ पे 1 of 30 मतलब 30 और 50, तो टोटल कितना हो गया 80, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 65 यूनिट्स बेचे इस प्राइस पे, यहाँ पे मैंने 55 बेचे, और यहाँ पे मैंने 80 यूनिट्स बेचे। द सेलिंग प्राइस इंक्लूड्स द फॉलोइंग, पोस्ट शिपमेंट एक्सपेंसेस, फ्रेट पेड फ्रॉम पोर्ट ऑफ फैक्ट्री इन इंडिया ₹24,000, इंश्योरेंस टू कवर ट्रांजिट डैमेज फ्रॉम पोर्ट टू फैक्ट्री ₹6,000, नंबर ऑफ यूनिट्स इम्पोर्टेड फ्रॉम हाई सी 5,000 यूनिट्स, फाइंड आउट द एक्सेप्टेबल वैल्यू एंड टोटल कस्टम ड्यूटी पेएबल। अब यहाँ पर क्या है, देखिए आपने जो इम्पोर्ट किया है, द इम्पोर्ट विच यू हैव डन इज फ्रॉम हाई सी। याद करो मेरा इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस वाला जो हमने पढ़ा था, हमने उसमें क्या पढ़ा था, इंडिया एक्सटेंड्स 12 नॉटिकल माइल्स फिर 24 फिर 200 नॉटिकल माइल्स तक के,
इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ तक क्या था, 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या है, और ये 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का जो भी एरिया रहेगा मेरा, 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का जो भी मेरा एरिया रहेगा वो रहेगा हाई सी। तो यहाँ पे आपने इंपोर्ट किया हाई सी से, मतलब आपने किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से तो इंपोर्ट नहीं किया, इसीलिए ट्रांजैक्शन वैल्यू तो अप्लीकेबल नहीं रहेगा। बराबर है? तो हम लोग कैसे कैसे देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं टीवी। टीवी अगर नहीं मिला तो हम देखते हैं आइडेंटिकल गुड्स, आइडेंटिकल नहीं मिला तो सिमिलर गुड्स, सिमिलर नहीं मिला तो डिडक्टिव, डिडक्टिव नहीं मिला तो कॉम्पिटिव, और आखिरी में अदर। इस तरीके से हम लोग जाते हैं। मैंने कहा था ना 6 मेथड से टोटल, तो पहली टीवी, फिर आइडेंटिकल, फिर सिमिलर, फिर डिडक्टिव, फिर कॉम्पिटिव और फिर अदर। यहाँ पे टीवी तो अप्लीकेबल नहीं है, आइडेंटिकल दिया नहीं है, सिमिलर भी नहीं दिया है, तो कौन सा आएगा, डिडक्टिव। बराबर है? डिडक्टिव हमने क्या कहा था, हम लगे हमारा सेल्स प्राइस, मतलब ये जो इंपोर्टर है ना, इसका सेल्स प्राइस माइनस पोस्ट इंपोर्ट एक्सपेंसेस लेस करेंगे हम। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ए लिमिटेड सेल इन इंडिया फ्रॉम अ प्राइस लिस्ट विच ग्रांट्स फेवरेबल यूनिट प्राइस फॉर परचेस मेड इन लार्जर क्वांटिटीज। तो ये सेल्स प्राइस ए लिमिटेड का दिया है और इंपोर्ट भी ए लिमिटेड नहीं किया है, पर यहाँ पर मल्टीपल सेल्स प्राइस दिया है, 100 भी है, 95 भी है, 90 भी है। तो जहां पर मल्टीपल सेल्स प्राइस दिया रहेगा, जहां पर मल्टीपल सेल्स प्राइस दिया रहेगा, आप वो सेल्स प्राइस लोगे जिस रेट पे आपने हाईएस्ट यूनिट बेचा है, जिस रेट पे आपने क्या बेचा है, हाईएस्ट यूनिट बेचा है। आपने हाईएस्ट यूनिट कितने रुपए पे बेचा है, 90 रुपए पे, 80 देखिए, या 100 पे 65 बेचा है, 95 रुपीज पे 55 यूनिट बेचा है, और 90 रुपीज पे 80 यूनिट बेचा है, तो हाईएस्ट कितना है, 90 का रेट। तो हम लोग इसके लिए डिडक्टिव मेथड में प्राइस क्या लेंगे, 90 का प्राइस लेंगे। सो वी विल टेक प्राइस 90 माइनस एक्सपेंसेस आफ्टर इंपोर्ट, इंपोर्ट के पास का जो भी है शिपमेंट लेस करेंगे और इंश्योरेंस लेस करेंगे, तो मुझे मिल जाएगा मेरा असेसेबल वैल्यू और उसको ऊपर ऐड कर दूंगा मैं कस्टम्स। चलिए सॉल्व करते हैं। इसके पहले सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कुछ नोट्स या पॉइंट। तो पहला पॉइंट ठीक है, क्या लिखेंगे हम, सिंस गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम हाई सी वैल्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड, पहला पॉइंट। दूसरा, एज टीवी ऑफ आइडेंटिकल गुड्स और सिमिलर गुड्स इज नॉट अवेलेबल, वी नीड टू कैलकुलेट असेसेबल वैल्यू। आप लोग पूरा लिखोगे असेसेबल वैल्यू बाय डिडक्टिव मेथड। इसलिए हम क्या यूज करेंगे, डिडक्टिव मेथड यूज करेंगे। अब नोट नंबर 3 भी लिख लेते हैं। थर्ड, एज देयर आर मोर देन वन सेलिंग प्राइस ऑफ importer, we need to take price
एट विच हाइएस्ट क्वांटिटीज आर सोल्ड, दैट इज हाइएस्ट क्वांटिटी कितनी है देखिए 80 यूनिट्स एट रेट ऑफ रुपीज 90, 80 यूनिट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 90 पर यूनिट, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लेते हैं अब इसको सॉल्व करते हैं। सो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस, एक थोड़ा इसको अलग कर यहां लिखेंगे, ठीक है। सेलिंग प्राइस इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में कौन सा लेंगे हम 90 पर यूनिट, और आपने कितने यूनिट्स इंपोर्ट किए हैं 5000 यूनिट्स, बराबर है। तो 5000 माइनस 90, 5000 इंटू 90, 5000 यूनिट्स इंटू रुपीज 90, बराबर है। ये कितना आया 5000 इंटू 90, 450000 अमाउंट इन रुपीज है, ठीक है। दीज आर रुपीज 450000 लेस एक्सपेंसेस आफ्टर इंपोर्ट, ठीक है। तो इंपोर्ट के बाद आपने क्या, इंपोर्ट के बाद आपने क्या खर्चा किया, ये पोर्ट से फैक्ट्री आने का 24000 और फैक्ट्री पोर्ट से फैक्ट्री तक का ट्रांजिट इंश्योरेंस 6000, राइट। सो फैक्ट्री सॉरी पोर्ट टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ठीक है, कितने हैं 24000 प्लस 6000, 24000 प्लस 6000, ये कितना हो जाएगा 30000, ठीक है। तो ये माइनस करो, ठीक है, लिख देता हूं ताकि दिक्कत ना जाए आप लोगों को भी। 24000 प्लस 6000 तो कितना होता है 30000 होता है, बराबर है। ये आया आपका 30000, ठीक है। तो ये माइनस करके मेरा एवी इन रुपीस कितना आया, माइनस 30000 420000, ठीक है, 420000। अब इस पर ड्यूटी कितना आएगा, 420000 पे देखिए BCD 12% है, IGST वगैरह तो अप्लीकेबल है ही नहीं, बराबर है। सो ड्यूटी, ठीक है, सो BCD कितना परसेंट है, 12% एट द रेट ऑफ 12%, 420000 इंटू 12% कितना आ रहा है देखिए 50400, 50400 ऐड कीजिए सोशल वेलफेयर सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%, 50400 पे 10%, 5040, तो आपका टोटल ड्यूटी पेबल कितना है देखिए 55,440 इन रुपीज। क्या आ गया आपका आंसर सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को क्लियर है। सो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि सर ट्रांजैक्शन वैल्यू अप्लीकेबल नहीं था, राइट, आईएसए से इंपोर्ट किया है तो टीवी तो अप्लीकेबल होना नहीं, होने ही नहीं वाला है क्योंकि कोई कंट्री वगैरह दी नहीं है, आइडेंटिकल गुड्स भी अवेलेबल नहीं है, सिमिलर भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या लूंगा डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में हम वैल्यूएशन कैसे करते हैं, जो इंपोर्टर है मेरा उसका अल्टीमेट उसका एंड सेलिंग प्राइस लेता हूँ मैं और उसमें से मैं लेस करता हूँ इंपोर्ट करने के बाद के खर्चे। अब यहाँ पे मल्टीपल सेलिंग प्राइस दिया है, 100 अलग दिया है, 95 अलग दिया, 90 अलग दिया है, तो उसमें मैं वो रेट लूंगा जिसमें मैंने हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वांटिटीज बेची है जो कि कितना है 90। तो 90 से मैंने निकाला मेरा अल्टीमेट सेलिंग प्राइस 90 इंटू 5000 यूनिट्स पर यूनिट की प्राइस है। इसमें से मैं लेस करूंगा इंपोर्ट के बाद का खर्चा, वो मैंने लेस किया 24000 और 6000, तो मुझे मिला एवी इन रुपीज। फिर इसमें मैंने चार्ज किया BCD एंड सोशल वेलफेयर सरचार्ज, 12% BCD प्लस सोशल वेलफेयर
सरचार्ज 10% 12% पे 10% आईजीएसटी तो अप्लीकेबल है ही नहीं, ठीक है। सो इस तरीके से हमने सॉल्व किया। तो यही चीज़ यहाँ पर रिपीट करके दिया आपको कि सेल क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, टोटल क्वांटिटी सोल्ड तो 90 है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 80, देयरफॉर द यूनिट प्राइस इज द ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी इज रुपीज 90, 80 और 90 का उन्होंने कॉम्बिनेशन किया है, राइट। जो हमने वहाँ पे क्वेश्चन में कैलकुलेशन किए थे अलग से भी हमने करके कर दिया आपको, ये टेबल नहीं बनाया तो भी चलेगा, आपकी मर्जी, राइट। तो ये जो ग्रेटेस्ट है ये हमने लिया है, ठीक है। तो ये आ गया 450,000 माइनस किया है 30,000, ये भी आ गया 420,000, इसके ऊपर हमने आ रहे हैं कस्टम ड्यूटी आ गया। यहाँ पे 13.20% लिया है, कैसे लिया है, 12% बीसीडी प्लस 12% का 10%, तो है ना 13.20, तो इसने डायरेक्ट ले लिया। आप बीसीडी अलग लो, यू टेक बीसीडी सेपरेटली, ऐड करो सोशल वेलफेयर सरचार्ज सेपरेटली, आंसर विल बी सेम 55,440, 55,440, 55,440, 55,440, आंसर इज सेम, वी नीड नॉट टू वरी फॉर दैट। ध्यान देना है कि जब हम लोगों ने ये क्वेश्चन 10 किया था, जहाँ पे आइडेंटिकल गुड्स लेना था, तो वहां पर मैंने लोएस्ट रेट लिया था, राइट। ये देखिए मोर देन वन, तो हमने क्या लिया, लोएस्ट रेट लिया, मोर देन वन रेट, तो हमने कौन सा रेट लिया, लोएस्ट रेट लिया, बराबर है। और जहाँ पे डिडक्टिव मेथड में आया, तो मोर देन वन सेलिंग प्राइस अगर अवेलेबल है, तो जिस हाईएस्ट क्वांटिटी का जो रेट हमने वो लिया था, हाईएस्ट क्वांटिटी का हमने रेट लिया था। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 11 भी क्लियर है। ये सब पता होने के लिए आप लोगों को वो वाला पार्ट याद होना जहां पर अपन ने मेथड्स पढ़ी थी, ये वाला पार्ट, अलग अलग मेथड, ट्रांजैक्शन, फिर आइडेंटिकल, फिर सिमिलर, फिर डिडक्टिव, फिर कॉम्पिटेड, फिर रेसिड्यूअल, है ना, फिर आइडेंटिकल कैसे रहते हैं, सिमिलर कैसे रहते हैं, डिडक्टिव में हम क्या करते हैं कि सर इंपोर्टर की सेलिंग प्राइस देते हैं और ये पोस्ट इंपोर्ट जो भी खर्चा होता है उसमें से वो क्या करते हैं हम लोग, लेस करते हैं। ये सब आपको पता होगा, अगर ये आप लोगों को पता है, ध्यान में है, अगर आप इससे अवेयर हो, तो इससे इन क्वेश्चन से डील करना बहुत आसान है, ज्यादा कुछ कैलकुलेशन वगैरह होते नहीं है, ठीक है। 7 पर आ गया, बहुत पीछे आ गया, क्वेश्चन हमारा कौन सा था, 11, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। इसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर 12 भी है, जो क्वेश्चन 12, इसमें हमको एंटी डंपिंग ड्यूटी भी कैलकुलेट करना है, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है। बट दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क, ये क्या है आपका होमवर्क, जहां पे कहा है कि अ कमोडिटी इंपोर्टेड इनटू इंडिया फ्रॉम अ कंट्री covered by notification issued by the central government under section 9A of the customs tariff act 1975 and following particulars are made available, cf value de diya aapko $25,000, matlab av ready made de diya, exchange rate bhi de diya, bcd ka rate bhi de diya, social welfare surcharge bhi de diya, aur niche ka hai ki only bcd and social welfare surcharges are applicable, sirf aur sirf yahi applicable hai aur kuch applicable nahi hai, aisa isne kaha hai, ओनली यही अप्लीकेबल। अब होगा कैसे, सबसे पहले मैं क्या लूंगा, सी आई एफ वैल्यू $25,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मैं रेट करूंगा 60 का, ठीक है, तो कितना मिल गया, 25,000 × 60 ₹15,00,000 में, ठीक है, ऐड करो इसके ऊपर बीसीडी 12%, 1,80,000, ऐड करो सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10%, 1,80,000 का 10%, 18,000, ठीक है, टोटल कितना हो गया देखिए, 15,00,000 प्लस 1,80,000 प्लस 18,000, 16,98,000, एक बार फिर से देख लेते हैं, 25,000 × 60 15,00,000, इस पे 12%, फिर ऐड करो 18,000, 16,98,000, ठीक है, ये क्या है मेरी कॉस्ट है, बराबर है।
So what I will say, my cost is 16,98,000. और एज पर नोटिफिकेशन जो एंटी डंपिंग का आपको नोटिफिकेशन एक दिया है, एज पर नोटिफिकेशन द एंटी डंपिंग ड्यूटी विल बी इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 70 पर केजी, यूएस डॉलर 70 पर केजी के हिसाब से कैलकुलेट करके कॉस्ट का डिफरेंस देखना है। तो मेरी कॉस्ट है 16,98,000। अब मैं क्या देखूंगा, देखिए वी विल चेक कि वैल्यू एज पर गवर्नमेंट एंड नॉर्मल प्राइस। ठीक है, तो कैसी है देखिए, कितनी क्वांटिटीज इंपोर्ट किया है मैंने, 70 पर केजी दिया है, मुझे क्वांटिटी चाहिए। हाउ मच क्वांटिटी हैव इंपोर्टेड, देखिए दिया होगा क्वेश्चन में, क्वांटिटी इंपोर्टेड ये दिया है 500 किलोग्राम 70 पर केजी, बराबर है। सो हम क्या करेंगे, 500 केजी इंटू डॉलर 70 इंटू उसका रेट कितना है रुपीज 60, रेट से भी कन्वर्ट भी करना पड़ेगा इंडियन रुपीज में। सो इक्वल टू करके कितना आ रहा है देखिए, 500 इंटू डॉलर 70 इंटू रुपीज 60, इट कम्स टू रुपीज 21,00,000। अब मेरी तो प्राइस है 16,98,000 ओनली और ये है 21,00,000, दोनों का डिफरेंस कितना है 21,00,000 माइनस 16,98,000, सो इक्वल्स टू करके माइनस 16,98,000 करके कितना रहा देखिए, 4,02,000 इज माय एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी एडीडी इज 4,02,000। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। इस होमवर्क को पर्टिकुलरली सॉल्व करने के लिए मैं अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये यहाँ पर आपको दिया है। अगर आपको क्वेरी है कुछ किंतु परंतु या कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बोल सकते हो, फिर मैं इसको सेपरेटली एक्सप्लेन करूंगा, देन आई विल एक्सप्लेन इट अगेन सेपरेटली। तो यहाँ पे क्लियर है ये, तो यहाँ पे देखिए सेम चीज क्या है, सी आई फैलो दिया है $25,000 का, एवी आ गया उसका 15,60,000 का रेट लगाकर, कस्टम ड्यूटी इंक्लूडिंग सोशल वेलफेयर सरचार्ज 13.20 कैसे आता है मैंने आपको समझा दिया है पहले ही, ठीक है, यह है 1,98,000, तो लैंडेड वैल्यू कितना है 16,98,000, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी कितना आएगा 4,02,000। जैसे 21,00,000 का कैसे निकाला है, ये जो गवर्नमेंट का रेट था 500 केजी इंटू 70 इंटू रुपीज 60, ये कैसे निकला है, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, इट इज इजी टू कैलकुलेट, इट इज कैलकुलेटेड एज 500 केजी इंटू गवर्नमेंट का रेट कितना है 70 पर केजी का है, बराबर है, इंटू डॉलर, सॉरी 500 केजी इंटू डॉलर का रेट लेने का मुझे, ठीक है, कुछ गड़बड़ी हो रही है, भूख लग गई है मुझे इसलिए गड़बड़ी हो रही है, भूखे पेटे कुछ काम नहीं होता, 500 केजी इंटू डॉलर 70 इंटू रुपीज 60 का ये वाला जो रेट है वो हमने रेट लिया, इक्वल टू आएगा 21,00,000, देख लीजिए 500 इंटू 70 इंटू 60 आता है रुपीज 21,00,000। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। सो यहाँ पर आपका वैल्यूएशन का चैप्टर भी खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ थियोरेटिकल प्रस्पेक्टिव पढ़ेंगे एंड अगले वीडियो के बिगिनिंग में मैं वैल्यूएशन को एक वीकली रिवाइज करवाने की कोशिश करूंगा, इफ इट इज पॉसिबल टू मी, सो दैट वैल्यूएशन का आपका रिविजन वाला पार्ट लग जाए एंड देन वी मूव फॉरवर्ड विद द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर जो थियोरेटिकल प्रोस्पेक्टिव है, एंड देन ये होने के बाद कुछ प्रैक्टिकल जहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन के हम लोग फंडास देखेंगे। सो आई एंड ईयर, थैंक यू वेरी मच, घर पर रहिए, सेफ रहिए, कुछ क्वेरी है कुछ किंतु परंतु है तो लिख कर रखिए, हमसे पूछिए और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, थैंक यू।